आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू का अचार। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी है। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो अचार बनाने के लिए मैंने आधा केजी नींबू लिए हैं और इन्हें पानी से अच्छी तरह से साफ करके और कपड़े से पोंछ लिए हैं। इनका पानी सुखा लिए हैं कपड़े से पोंछकर। अब इन्हें हम घिसेंगे। देखिए इस तरह से घीसर की सहायता से इस तरह से हल्के हाथों से ऊपरी का छिलका के एक लेयर निकालेंगे। बहुत जोर से, बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है। देखिए इस तरह से, इस तरह नींबू को घुमा घुमा कर चारों तरफ इस तरह से सफ़ेद करेंगे। देखिए इस तरह से तो कर लेते हैं सारे नींबू को इस तरह से। एक्चुअली ट्रेडिशनली जब यह अचार बनता था तो ईंट और अथवा पत्थर के खुरदरे भाग पर घिस कर बनाए जाते थे और इस तरह से भी काम चल जाता है। तो हम इस तरह से पहले सारे नींबू को घिस लेते हैं और बहुत ही आसानी से घिस कर इस पर तैयार हो जाता है नींबू। तो देखिए बातों बातों में एक नींबू तैयार भी हो चुका है। हमें सारे नींबूओं को इसी तरह से घिसने हैं। तो इसी तरह से सारे नींबू को घिस लेते हैं हम पहले। लीजिए मैंने सारे नींबूओं को घिस कर तैयार कर लिए हैं। अब इनसे अचार बनाएंगे और देखिए नींबू घिसने के बाद इसकी ऊपरी का छिलका का इतना निकला है जिसे हम लेमन जेस्ट के नाम से भी जानते हैं और बहुत सारे डिशों में हम इसका फ्लेवर लाने के लिए डालते हैं। तो आप चाहे तो इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं अथवा इन्हें सुखा कर भी रख कर यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इसे साइड में रखते हैं। अब हम इन नींबू को चीरा लगाएंगे। तो ऊपर से इस तरह से चार चीरा लगाएंगे और नीचे से जुड़े रहने देंगे। सारे नींबू को चिरा लगा लिए हैं और देखिए नीचे से जुराही है, इस तरह का होना चाहिए। तो अब चलिए इनमें नमक डालते हैं। तो इतने नींबू में मैं 2 बड़े चम्मच नमक डाल रही हूँ क्योंकि कोई भी अचार में नमक ज़्यादा ही डलता है। तो नमक डाल लिए हैं। अब इसे इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे, बर्तन को इस तरह से चलाते हुए इनमें मिलाएंगे नमक और नीचे जो रह गया है नमक इसे इस तरह से चम्मच की सहायता से इन्हें इस तरह से भीतर डालेंगे ताकि नींबू में पूरी तरह से नमक जाए। तो इसी तरह से सारे कर लेते हैं। अब इन्हें 3 से 4 दिन धूप में रखेंगे और नींबू को एक दो बार चला देंगे। तो देखिए मैंने पहले से करके रखे हैं, इन्हें 3 से 4 दिन धूप लगा लिए हैं। अब इनमें मसाले भरेंगे। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर पैन रख लिए हैं, गैस ऑन कर लिए हैं। अब इनमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच अजवाइन और 1 बड़े चम्मच जीरा डालते हैं इनमें और इस तरह से इन्हें चलाते हुए 1 मिनट भुनेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं भुनेंगे, तो भून लेते हैं पहले। तो अब ये भून चुके हैं, गैस ऑफ कर देते हैं और इनमें निकाल लेते हैं खलबट्टे में। अब ये थोड़ी ठंडा हो जाए तो हम इन्हें कूट लेते हैं। तो मोटे मोटे कूट लेते हैं, बहुत महीन भी नहीं करेंगे। तो मसाले कूट चुके हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं इन्हें। इनमें डालते हैं 1 छोटी चम्मच काला नमक। नमक और मसाले को मिला लेते हैं चम्मच से। अब इन मसाले को हम इसके अंदर भरेंगे इस तरह से चम्मच की सहायता से। देखिए इस तरह से, तो सारे इसी तरह से भर लेते हैं। तो अब सारे अचार में मसाले भर चुके हैं। अब इन अचार को हम कोई सूखे साफ कांच के जार में रखेंगे। फिलहाल मैं इस बॉल में रख रही हूँ, इन्हें साफ सूखे जार में शिफ्ट करके और अचार को 7 से 8 दिन धूप में रखेंगे। फिर जार को अंदर कर लेंगे और ढक्कन बंद ही रखेंगे और अचार को बनने में 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे। तो मैं इन्हें शिफ्ट कर लेती हूँ जार में और मिलते हैं 1 महीने के बाद। तो 1 महीने के बाद ये वीडियो मैं बना रही हूँ और आपको दिखाती हूँ ये अचार। देखिए इस तरह का हुआ है और अभी भी ये अचार खाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। 15 से 20 रोज और लगेंगे तभी खाने के लिए अचार तैयार होगा। देखिए इस तरह का है।
इस तरह का है, सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन और भी 10-15 रोज छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। 10-15 रोज के बाद हम अचार को आराम से खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी है ये अचार का। इन अचार को आप जितने भी बार से रखें ये बिगड़ते नहीं हैं और बहुत ही हेल्दी अचार है। जब कभी आपको अपच हो, पेट दुखे, तब इन अचार को आप खा सकते हैं, बहुत ही आराम मिलता है। तो आप ये अचार बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।